हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिहाज इजी टिप्स ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। और मैं एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ और ये मेरा ब्लॉग मायके से ही है। मैं मायके में 2-3 दिन रुक गई थी और तब यहाँ आई हूँ अपने ससुराल, तो यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरे आवाज़ से लग रहा होगा मुझे काफ़ी सर्दी हो चुकी है, वहाँ का यहाँ का पानी से पता नहीं सूट नहीं किया या क्या, सो सर्दी वगैरह ज़्यादा हो गया है। पर सोची कि आप लोगों को वीडियो भी दिखाना है, आप लोग के पास वीडियो भी जाना ज़रूरी है, इस वजह से मैं एडिट कर रही थी। हल्का फीवर सा भी लग रहा है पर कोई नहीं, काम है तो काम तो करना ही है। और इधर देख सकते हैं मेरी बेटी है और मेरी भतीजी है और ये मेरा मायके का घर है जिसका पेंट वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुका है, अभी काम लगने वाला है, सब ठीक होगा। और ये देख सकते हैं मेरे मायके में साइकिलिंग है जिसे एक्सरसाइज सभी लोग करते हैं, उसी पे बेटी मेरी खेल रही है। और इधर कूलर वगैरह रखा हुआ है और इधर देख सकते हैं गाड़ी गैराज है, गाड़ी वगैरह रखा हुआ है, छोटा सा होम टू समझ लीजिए, किचन है मेरे यहाँ, मेरे मायके में ओपन किचन है, किचन में ही बड़ा सा किचन है, उसी में डाइनिंग टेबल वगैरह रखा हुआ है। अच्छा लगता है ये सब, मैं खुद बहुत पसंद से बनवाई थी जब बन रहा था तब, सब अपने से बोल बोल के बनवाई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आज मुझे निकलना है अपने ससुराल के लिए और ये है मेरी मम्मी जो कि मेरा हेल्प कर रही है, कौन कौन सामान कहाँ रखना है, कैसे संभालना है उसमें। और यहाँ पे मैं चश्मा वगैरह रख रही हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बिना चश्मा का और सारे सामान को ले आना। और मैं तो एक बस छोटा सा झोला लेकर आई थी पर मायके आने पर तो मायके आ जाने के बाद तो वो एक झोला एक्स्ट्रा हो ही जाना है, माँ का प्यार होता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते करते एक झोला पूरा हो ही जाता है। और मेरा साड़ी वगैरह भी पहले से छूटा हुआ था, उसको भी मम्मी बोली कि तुम लेकर जाओ वहाँ कहीं पहनना वगैरह, पहनना तो रहता नहीं है पर ये मम्मी मुझे कुछ दे रही है, सो मैं इसको मना कर रही हूँ कि नहीं मैं नहीं लूँगी। और उसी पे वो बोल रही है नहीं लो, मैं बोल रही हूँ नहीं लेना है, इसी पे उससे बात कुछ हो रहा है। और दो झोला हो चुका है और उसी झोला को डबल टूटने के डर से डबल ये कर रही हूँ। और इसी रूम में मैं पहले शादी से पहले इसी रूम में रहती थी, ये रूम मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऐसे मेरे यहाँ 2-3 रूम है पर मैं रूम टूर आपको नहीं दे पाई, फिर कभी जाऊंगी तो देखूंगी रूम टूर वगैरह करवाऊंगी। और ये मैं घर का ही कपड़ा पहनी थी, अब फिर मैं अभी तैयार होंगी, तैयार होकर फिर आपको दिखाऊंगी, साड़ी ही पहनना है। और देख सकते हैं मेरा साड़ी भी आपको दिख गया है, मंगलसूत्र वगैरह मम्मी रख दी थी मिरर में, वही निकाल के मुझे दे रही है। और बेटी का कपड़ा भी चेंज करना है, वह बात भी कुछ कुछ कर रही हूँ कि क्या कुछ बात भी बता रही हूँ और मम्मी बोल रही कि वो ही कपड़ा ड्रेस ठीक है मत चेंज करो, फिर तो जाके चेंज ही करना है अच्छा है फिर, लेकिन मैं फिर कपड़ा चेंज कर दूँगी क्योंकि ये सिंदूर लगा ली थी उस कपड़ा में और उसको सब साफ भी करना है। और इधर देख सकते हैं मैं कपड़ा चेंज कर ली और मेरा साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और देखिए कितना सुंदर सा कलर लग रहा है साड़ी मम्मी मुझे दी है। और ये मेरे पापा है, ये कपड़ा पहन रहे हैं, पता नहीं पापा का फेस आया भी है या नहीं क्योंकि ये बैक साइड से कपड़ा पहन रहे थे, किसी को पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और इधर मम्मी मुझे फूल का ला के दी है कि अपने गमला में लगा लेना फूल वगैरह। और इधर मैं दिखा रही हूँ बेड के नीचे बेटी का हेयर बैंड गिर गया था तो मैं बोली थी कि उसको निकाल के भतीजी मेरी पहन लेगी, तो मम्मी बोल रही है कि नहीं नहीं उसको ले के जा, तो मैं बोली कि नहीं कोई बात नहीं है कोई भी बच्चा पहन लेगा, तो वही मैं उसको बता रही थी। और इधर मम्मी सब सामान को मेरे संभाल के रख दे रही है। और आज ऐसे भी भारत बंद का ऐलान था तो इस वजह से मुझे शाम को मैं निकली हूँ, अभी का टाइम लगभग 5:30 हो रहा होगा, तो फटाफट से मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, बहुत लेट हो रहा था और पापा तैयार होकर खड़े हो गए थे कि जल्दी निकलो। और मैं अपने ही गाड़ी से जाने वाली थी पर एन वक्त पर ड्राइवर नहीं आ पाया तो मुझे बस से निकलना पड़ा, इसलिए पापा जल्दी जल्दी से ये कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बस का वेट कर रही हूँ,
इधर देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। मैं सिंपल सा कुछ ज़्यादा नहीं की हूँ, बिंदी से तो लगा ली क्योंकि बहुत जल्दीबाजी था, और मैं ससुराल से मैं के आना रहता है तो थोड़ा सजने धजने में अच्छा लगता है, फिर ससुराल जाना है तो थोड़ा सा तो मन मायूस हो ही जाता है कि मम्मी को छोड़ के जाना है, पापा को छोड़ के जाना है, तो थोड़ा सा मेरे चेहरा से लग भी रहा होगा ऐसा। और बेटी यहाँ पे चिप्स खा रही है, और ये देख सकते हैं ये मेरा चौक है, चौक गांव का चौक है मेरा, मैं कि गांव में है पर लगता नहीं है गांव में है क्योंकि मेन शहर का ही ये लगता है, पर नाम एक गांव है तो उसका ही ये है। और इधर देख सकते हैं बस बहुत देर के बाद आया, और यहाँ पे मैं बैक कैमरा से थोड़ा सा सामने का व्यू दिखा दे रही हूँ, और देख सकते हैं बहुत अच्छा है, मेरा खुद का मार्केट भी उधर है। मैं कभी अपने मार्केट का भी टूर करवाऊँगी आप लोग को, मैं किसी न किसी वीडियो में मैं दिखाई हूँ, फिर भी मैं और दिखाऊँगी आप लोग को। मेरे पापा का मार्केट बना हुआ है, बहुत अच्छा है और बहुत बिजी सब रहता है, ये सब धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है मार्केट, और सब चीज़ मिलता है, सब्जी फल नॉनवेज का आइटम सब कुछ यहाँ पे मिलता है, कपड़ा सोना चांदी सब कुछ यहाँ पे मिलता है, आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इस साइड खाली खाली है, इस साइड बहुत अच्छा मार्केट है, और इधर देख सकते हैं गाड़ी वगैरह आ जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा चिकन, अच्छा नहीं। और यहाँ पे हूँ मैं, ये देख सकते हैं मुझे यार, और मेरा साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताना, और बेटी भी खा रही है, मैं और उसके पापा नहीं आए थे, वो घर पे ही थे, मैं और मेरी बेटी भी हम लोग आए हुए, और गर्मी भी काफ़ी लग रहा है, मुझे गुस्सा भी आया कि अगर ड्राइवर रहता तो इतना ये नहीं करना पड़ता, हम लोग गाड़ी से ही निकल जाते, पर ऐसा हो नहीं पाया है। और मैं सूट पहन के आने वाली थी, पर एक बैग वगैरह बन गया कि नहीं साड़ी ही पहन कर जा, क्योंकि ससुराल की तरफ का जो गली का रोड है वो टूटा हुआ है, फिर तो पैदल ही जाना पड़ेगा मेन चौक से, ऐसे कर पाई। और इधर देख सकते हैं मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल, और इधर मैं वॉइस ओवर की हूँ पर पता सॉरी मैं आप लोग से बात की हूँ पर यहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। सो मैं आ गई हूँ, कपड़ा वगैरह चेंज करके, नाक कान वगैरह का खोल के, गला का खोल के, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और इस वीडियो को रहने देते हुए यहीं तक, ये था मेरे मायके से लेके ससुराल तक का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अगर आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।